हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 10। इसमें हम सीखेंगे भिन्नात्मक संख्याएं यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर में हम सीखने वाले हैं भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और कुछ भिन्न को दूसरे भिन्नों में बदलना भी सीखेंगे। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अगर मैं बहुत आसानी से समझाऊं तो ये किसी चीज़ का एक टुकड़ा होता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक चॉकलेट है और आपने इसे आधा काट दिया, आधा आपने इसको काट दिया, तो आप कहोगे कि दो भाग में से ये एक भाग है। ये जो भाग है ये दो भाग में से एक भाग है। तो इसको लिखोगे कैसे, दो भाग में से एक भाग, एक बटे दो, 1/2। उसी तरह से अगर इसी चॉकलेट को आपने तीन भाग में काटा होता तो ये 1, 2, 3, इसके एक भाग को आप कैसे दर्शाते, तीन भाग में से एक भाग, तो 1/3। अब बात समझ रहे हो। तो फ्रैक्शन यही होता है, किसी चीज़ का कुछ भाग, कुछ हिस्सा, उसको हम बोलते हैं भिन्न या फिर फ्रैक्शन। ध्यान रखना, हमारे पेन ड्राइव एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, मेमोरी कार्ड कोर्सेज भी आ गए हैं, तो आप उन कोर्सेज के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9109506253। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो कि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ भिन्न। भिन्न के प्रकार क्या क्या है उसको हम सीखेंगे। पहला जो हमारा टाइप है वो है उचित भिन्न। अब आप पूछोगे सर ये उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न में जो हर होता है वो अंश से बड़ा होता है। और इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अंश और हर क्या होता है। अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। देखो ये अंश और हर होता क्या है, इसमें आप ध्यान दो। 1/3 हमने लिखा था यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं 1/3। तो 1/3 में ये जो 3 है वो है हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर, और 1 जो है वो है हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश। तो ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बात समझ गए। तो टाइप्स ऑफ भिन्न में हमारा जो पहला भिन्न है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न में जो हर होता है वो अंश से बड़ा होता है। हर मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे 1/2, 4/5, 6/7, 8/9, 2/3, 7/10, ये सारे के सारे उचित भिन्न हैं, क्योंकि इसमें ऊपर वाला भाग छोटा है नीचे वाले भाग से, यानी कि नीचे वाले भाग बड़ा है ऊपर वाले भाग से। हर जो है अंश से बड़ा है, कह सकते हो आप कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। उसी का उल्टा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला भाग बड़ा होता है और नीचे वाला भाग छोटा होता है। जैसे 5/3, 4/2, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं 6/3, 11/4। तो ये सारे के सारे क्या है, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है वो छोटा है, नीचे वाला भाग छोटा है ऊपर वाला भाग बड़ा है। तो आप बात ध्यान रखना, अगर ऊपर वाला भाग छोटा है तो हम उसको उचित भिन्न बोलेंगे, और ऊपर वाला भाग अगर बड़ा है तो हम उसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। चलो भाई अगला सीखते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ ऐसा है ना, देखो ये वाला भिन्न जो है 4/11, इसी को एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 11/4। तो 11/4 को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11/4 को हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 whole 3/4, ये लिख सकते हैं 2 whole 3/4। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं 2 सही 3/4। अब इसको कैसे लिखा मैंने ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यही जो फ्रैक्शन है, यही जो भिन्न है, इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो इसमें भाग होता है ये पूरा का पूरा होता है, और ये जो दूसरा भाग होता है वो एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। आप समझ रहे हो, 4 में से 3 भाग, ये एक हिस्सा ही तो है जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो इसी तरह से 3 सही 1/2, 4 सही 2/5, तो इस तरह के भिन्न कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न।
अब इसके आगे हम पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हर और अंश दोनों ही भिन्न हो या फिर कोई एक भिन्न हो तो हम उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। सपोज करो ये 3/2 है और एक बड़े वाले ये बटे का चिन्ह उसके बाद मान लो 2 है, तो 3/2/2 ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। इसमें देखो आप ध्यान दो इसमें कि ऊपर वाला पार्ट ये भिन्न है, बात समझ रहे हो आप, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 4/5/7/6। इसमें देखो ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है और बीच में एक बड़े वाले ये बटे का चिन्ह, ठीक है, तो ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न। तो इस तरह की संख्याएं कहलाती हैं, इस तरह के जो फ्रैक्शन है वो कहलाते हैं मिश्रित भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आगे हम देखते हैं भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन ये क्या होता है। देखो बात ध्यान से समझना, हम भिन्न को जैसे 8/4 हमने लिखा या फिर हमने लिखा 6/3 या फिर हमने लिखा 2/4, तो देखो ध्यान देना कि ये भाग का चिन्ह होता है, वास्तव में जो भिन्न होता है वो भाग का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 4 का 8 में भाग देते हैं, तो 4 × 4 और ये 4 × 2 = 8, तो 8/4 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 8/4 को हम लिख सकते हैं 2/1। उसी तरह से 3 × 6 में भाग दोगे तो 3 × 3 यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1। उसी तरह से ये देखो 2 × 4 में अगर भाग दोगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म तब निकाला जा सकता है जब उसको आगे और भी डिवाइड ना किया जा सके, आगे और भी सरल ना किया जा सके। जैसे 1/2 को आप किससे डिवाइड करोगे, आप किससे काटोगे, तो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको बदलते कैसे हैं मैं सिखाता हूँ, लिखते कैसे हैं। देखो किसी भी भिन्न को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले आप उसमें समझना कि किस संख्या से वो कट सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक 12/15 का, 12/15 का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब देखो 2 से 12 तो कट जाएगा लेकिन 2 से 15 नहीं कटेगा, तो हमें ऐसी संख्या चुननी है कि वो दोनों से विभाजित हो, उससे दोनों विभाजित हों। ऐसी संख्या चुननी है जिससे ऊपर वाला भी पार्ट विभाजित हो और नीचे वाला पार्ट भी विभाजित हो। तो 2 से ऊपर वाला तो डिविजिबल है लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 चुनेंगे अगला। तो देखो 3 से तो डिविजिबल है भाई, 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 3 × 12 क्या होगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 × 12, और इसको भी 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो ये हो गया 4/5। अब फिर देखेंगे क्या ये किसी से डिवाइड होगा, ये 2 से तो होगा लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा नीचे वाला भी 3 से नहीं होगा, ये 4 से होगा नीचे वाला 4 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा लेकिन नीचे वाला 5 से होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बच रही है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो सकें, ठीक है। तो अब ये जाके अपने सरलतम रूप में आ गया है जिसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल ट्रिक यही है कि आपको खोजना है कि कौन सी ऐसी संख्या हमको मिल रही है जिससे दोनों के दोनों डिविजिबल हो जा रहे हैं, जिससे हम इसको और भी सिंपल कर सकें। तो यही कहलाता है भिन्न का सरलतम रूप, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन भी हम करेंगे, आगे एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अभी हमने सीखा कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, यहाँ देखो अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे से बड़ा होता है। तो अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलना भी सीखेंगे। देखो कैसे बदलते हैं, सपोज करो आपके पास एक अनुचित भिन्न है 11/3। अनुचित ये क्यों है, अनुचित मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे से बड़ा है। अब इसको हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में, तो देखो करना क्या होता है, 3 का भाग देंगे 11 में, 3 का हम भाग देंगे 11 में, तो हमारे पास जो भागफल आया वो आया 3 × 3 = 9 और यहाँ पे बचा 2 बच गया, तो 2 जो शेष बचा उसको ऊपर रखेंगे और भागफल को किनारे रखेंगे। देखो कैसे, भागफल कितना आया, ये भागफल आया हमारे पास ये आया 3, ये 3, तो 3 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद शेष कितना आया, जो रिमाइंडर आया है वो 2 ऊपर आया तो ऊपर रखेंगे, और ये 3 जो जैसे का वैसे नीचे ही रख देंगे, बात समझ रहे हो। जो भागफल आएगा उसको पहले रखेंगे, फिर जो रिमाइंडर यानी कि शेष आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और ये जो अंक रहेगा यहाँ पे वही यहाँ उतार देंगे।
तो तीन सही तीन बटे दो इंग्लिश में पढ़ेंगे 3 whole 2/3। समझ रहे हो बात को। चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक है 15/4 तो इसको क्या करेंगे, ये तीन बार भाग जाएगा तो 4 तिहाई 12 और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 सही 3/3 और ये 4 ज्यों का तू यहीं उतार देंगे। तो देखो क्या हुआ, 4 तिहाई 12 और 12 + 3 = 15। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अनुचित भिन्न को यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अब दूसरी चीज़ हम सीखते हैं कि अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो तो उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, यही वाला, जैसे 3 सही 3/4 को हमको बदलना है अनुचित भिन्न में। तो क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान तरीका है, क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 4 तिहाई 12, ये हुआ 12 और प्लस ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 12 + 3 ये हो जाएगा 15 और नीचे वाला ज्यों का तो उतार देंगे, 4 नीचे ही रहेगा। तो 12 + 3 = 15/4। बहुत ही आसान ट्रिक है, इन दोनों का गुणा करना है आपस में, इन दोनों का, और उसके बाद ऊपर वाले को जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आप नवोदय विद्यालय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9109506253। हमारे यहाँ पेन ड्राइव कोर्सेस, मेमोरी कार्ड कोर्सेस और ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आप नवोदय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, चाहते हो कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए वीडियो लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।